वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गाउन। तो ये हमने 4 मीटर कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हमें इस कपड़े में से डबल लेयर करना है, और ये हमें कपड़ा 2.5 मीटर को डबल लेयर करना है, बाकी एक्स्ट्रा को अलग रखना है। तो देखिए, इस कपड़े को अब हमने इस तरीके से डबल लेयर कर लिया है, और जितना इसका अर्थ था उतना कपड़े को हमने फोल्ड किया है। तो ये हमारा 1.25 मीटर अर्थ है, तो हमने 2.5 मीटर कपड़े को फोल्ड कर लिया है इस तरीके से, और इस एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे यहाँ से। इसको अलग कर लेंगे और अब इसके एक कॉर्नर को उठा के उस कॉर्नर से मिलाएंगे। तो अब देखिए, इस कॉर्नर को हमने इस कॉर्नर से मिला लिया, इसे ओरेप में कर लिया है, और इसके बाद में यहाँ से हमें अपनी कमर का नाप लेना है। तो जो भी आपकी कमर है उसका फोर्थ भाग ले लें। तो हमारी कमर है 28, तो 28 का फोर्थ भाग आएगा 7 इंच। 7 में हम हाफ इंच सिलाई के लिए लेंगे, तो यहाँ से 7 1/2 इंच लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 7.5 इंच पर मार्क कर दिया है। इसके बाद हमें अपनी लंबाई नापनी है। ये हमें गाउन चाहिए 50 इंच का तैयार। तो देखिए, ये हमने यहाँ पर 51 इंच लिया है। ये 1 इंच हमारा नीचे से फोल्ड हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर की तरफ देखेंगे आप कि हमारा 1/2 इंच सिलाई के लिए छोड़ने के बाद में 16 इंच आ रहा है। तो 16 इंच का हम इसका टॉप पीस जो निकालेंगे वो निकालेंगे। तो यहाँ से हमें इंच टेप को रख के इस कॉर्नर से यहाँ पर, और ये जितना कपड़ा है उस हिसाब से मार्क करना है। ये कपड़ा है हमारा 44 इंच। तो इस इंच टेप को इसी तरीके से घुमाते जाएंगे और इस पर मार्क करेंगे। अब ये जो इसके डॉट है इनको हमें मिला लेना है एक दूसरे के साथ। तरीके से ठीक है, इसको हमने पूरा मिला लिया है, और अब इसे कट करेंगे। तो इसका घेरा कट हो जाएगा, उसके बाद इसकी बाजू और टॉप पीस को कट करेंगे। देखिए, इसका घेरा भी कट हो चुका है, और इस तरीके से देखिए घेरा बहुत ज़्यादा आता है। तो देखिए, इसका घेरा कट हो चुका है। अब इसके लिए हमें टॉप पीस कट करना है। अभी कपड़े को हमने एक बार फोल्ड किया है, देखिए इस तरीके से। अब फिर से फोल्ड करेंगे तो हमारा ये 4 फोल्ड हो गया, यानी 4 पार्ट में हो गया है। अब कपड़े को हमने 4 फोल्ड में कर लिया है। तो इसके बाद हमें इसकी लेंथ नापनी है। तो देखिए, हमें 16 इंच तैयार चाहिए, और इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1/2 इंच ऊपर जाएगा सिलाई में और 1/2 इंच नीचे जाएगा। और यहाँ से आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से लें, तो यहाँ से हमारा 11 इंच कपड़ा है, तो हमारा इतना ही काफ़ी है। अगर आपका कम या ज़्यादा करना है तो उस हिसाब से इस कपड़े को फोल्ड करें। तो अब देखिए, यहाँ से हमें अपना तीरा नापना है। तो तीरा है हमारा 14 इंच, 14 का 1/2 होगा 7 इंच, और 7 इंच में हम 1/2 इंच लेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ से हमें आर्म होल्स भी उतने ही लेने हैं, यानी जितना हमारा तीरा है 7 इंच, और यहाँ पर हमें एक कर्व 1.5 इंच पर डालना है और एक 1 इंच पर डालना है। तो यहाँ से 1/2 में से लेके हमें इस तरीके से बैक के लिए करना है, और 1/2 इंच की गहराई और लेंगे अंदर की तरफ। ये हमारा फ्रंट पीस के लिए है, ठीक है, ये बैक और फ्रंट के लिए मार्क है। और अब ऊपर से हम अपना नेक नापेंगे, तो नेक रखेंगे 4.5 इंच। बोट नेक बना रहे हैं, और नीचे की तरफ से लेंगे वो हम इधर से भी 4.5 इंच लेंगे, और इस निशान को हमें इस तरीके से मिलाना है। यहाँ से आप चाहे तो 3 इंच भी ले सकते हैं, नीचे की तरफ गहराई कम अगर ऊपर ज़्यादा है तो। और 1/2 इंच आर्म होल्स की तरफ से डाउन करेंगे और नेक की तरफ मिला देंगे।
आपकी जो भी चेस्ट का फोर्थ भाग हो वो नाप लें। तो हमारा है 9 इंच, 36, 36 का फोर्थ भाग आएगा, 9 इंच पर एक मार्क करेंगे और 2 इंच लूजिंग के लिए लेंगे तो यहाँ पर 11 इंच। और कमर है हमारी 28 इंच, 7 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर 2 इंच लूजिंग लेंगे तो 9 इंच पर। यहाँ पर हमारी फिटिंग आएगी और इसमें बैक और फ्रंट दोनों तरफ नेक हम बराबर बना रहे हैं तो इसकी कटिंग एक साथ कर देंगे। अब इसके बैक पीस को हमें अलग निकाल लेना है और फ्रंट पीस के आर्म होल्स में और गहराई देंगे 1/2 इंच की। तो ठीक है, ये हमारे फ्रंट पीस की भी कटिंग हो चुकी है और बैक पीस की। अब इसके गले की पट्टियाँ कट करेंगे। तो देखिए दोनों के लिए हमने सेम बराबर पट्टियाँ कट कर ली हैं और इसी तरीके से इसके ऊपर ये हमें अटैच करनी है और सिलने के बाद में ये हमें अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। यहाँ से करके इसे फिर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। कपड़े को हमने ये सीधी साइड अंदर की तरफ की है, उल्टी साइड से फोल्ड किया है। जो इसमें हम प्लेटें लगाएंगे बैक और फ्रंट दोनों पीस में, उसके लिए मार्क डाल लेंगे। तो यहाँ से हम ये प्लेटें लगाएंगे, 3.5 इंच पर मार्क डालेंगे और जो ऊपर की तरफ लंबाई होगी प्लेटों की वो हम 4 इंच लेंगे। इस तरीके से, तो ठीक है, इसी तरीके से हम इस प्लेट को इस तरीके से इसके ऊपर करेंगे तो बराबर नाप आ जाएगा। यहाँ पर और सेम इसी तरीके से इस प्लेट में भी हमें प्लेटें लगानी है। तो गले की पट्टियाँ लगा लेंगे और इसमें पतली पतली दो प्लेटें लगा लेंगे हम। अब इसकी बाजू कट करेंगे। तो ये जो हमारा नीचे से कपड़ा निकला था वो कपड़ा है जो हमारे स्कर्ट पार्ट के नीचे से निकला था। तो इसकी जो ये सर कॉर्नर मुड़ा हुआ है इससे हम नाप लेंगे। जो भी आपकी बाजू की फिटिंग हो उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा नाप लें। तो हमारी है 5 इंच और यहाँ से हम इसे ले रहे हैं 6.5 इंच, 7 इंच तक आप ले सकते हो। जितनी भी आपकी बाजू की चौड़ाई है उतना आप इसे ले सकते हैं। यहाँ से इस चीज को नाप लें कि जितना यहाँ से 8 इंच है तो इधर भी हमारा ये 8 इंच पर ही होना चाहिए, वरना बाजू में टेढ़ आ जाएगा। और यहाँ से बाजू की जो लंबाई है वो हमारी 10 इंच तैयार है और यहाँ से हमें अपने आर्म होल्स के लिए कपड़ा लेना है। तो यहाँ पर हम कपड़ा लेंगे 9 इंच क्योंकि हमने 7 इंच आर्म होल्स रखे हैं। तो यहाँ से हमें ये लेना है 8 इंच। इस तरीके से हमें मार्क को मिलाना है। यहाँ से अब इसी तरीके से हमें कट करना है और 1/2 इंच के लिए हम उस फ्रंट पीस के लिए 1/2 इंच गहराई और देंगे। और इसके 2 पीस उठा के 1/2 इंच की गहराई कट कर लेंगे जो हमारे फ्रंट पीस की तरफ आएगी। तो देखिए ये हमारे बाजू भी इसमें से कट हो चुके हैं। अगर आपकी बाजू साइड से ना निकले तो अलग कपड़े में से
फुल बाजू या हाफ बाजू, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी भी आप निकाल सकते हैं। देखिए नेक हमने दोनों बना लिए हैं और इसकी प्लेटें लगा लेंगे इसी तरीके से। तो देखिए ये हमारा पीस रेडी हो गया है, ये इसका नेक बन चुका है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे वाले को भी बना लिया है। तो देखिए दोनों पीस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसे हमें इसी तरीके से रखना है और इसके ऊपर इस वाले पीस को तो सीधा रखा है और इसे उल्टा रखेंगे और यहाँ से तीरा ज्वाइंट करेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले तीरा को भी ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए तीरा ज्वाइंट कर लिया है और ये हमने बाजू को भी नीचे से फोल्ड कर लिया है बॉटम से। पहले हमने इस तरीके से हाफ इंच पे फोल्ड लिया था, दूसरा फोल्ड भी हमने हाफ इंच पे लिया, तो इस तरीके से सीधी सिलाई लगा के इसे फोल्ड कर लिया है। और बैक पीस हमें बैक पीस की तरफ ही रखना है और फ्रंट पीस की तरफ रखना है। और ये हमारा सीधा उल्टा ध्यान रख के कपड़े को ज्वाइंट करना है बाजू को। सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू ज्वाइन करेंगे। जिस तरीके से ये वाली लगाई है ऐसे दूसरी को लगा लेंगे। अब देखिए दोनों बाजू हमने ज्वाइंट कर ली हैं। अब यहाँ पर हमें अपने पीस को ज्वाइंट करना है जो सिकर्ट पीस कट किए हैं। तो ये हमने सीधा रखा हुआ है, इसके बीच से ज्वाइंट हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इस पे इस तरीके से इस पीस को रखना है, ये दोनों साइड सीधी अंदर की तरफ है और इस पीस को हमें इस पे ज्वाइंट कर लेना है। इस पीस को इस तरीके से बिल्कुल बराबर करते हुए हमें इसमें ज्वाइंट करना है। सेम इसी तरीके से हमें बैक पीस को ज्वाइंट करना है। ये हमने देखिए ज्वाइंट कर लिया है इसको। देखिए दोनों पीस हमने ये ज्वाइंट कर लिए हैं। तो देखिए ये हमने दोनों पीस इसी तरीके से ज्वाइंट कर लिए हैं और अब इस पीस को हमें इसके ऊपर इस तरीके से करना है और इसकी फिटिंग करनी है। तो ये फिटिंग हमें इस तरीके से करनी है यहाँ से और ये पूरे की यहाँ से दोनों तरफ से ऐसे ही फिटिंग करनी है, इधर से भी और इधर से भी दोनों सिलाइयाँ लगा लेंगे। से पक्का करके लेंगे और ये आप अपनी फिटिंग अनुसार सिलाई लगा लें। और ये सिलाई हम नीचे बॉटम तक इसी तरीके से लगाएंगे और सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमें फिटिंग करनी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट में भी बताएं कि ये गाउन आपको कैसा लगा है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी फिटिंग करेंगे यहाँ से।
देखिए सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ से भी फिटिंग कर लिया है। ये हमारी पूरी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसे नीचे से बॉटम को फोल्ड करना है। तो देखिए ऐसे ही हमने बाजू फोल्ड की थी। पहला फोल्ड हम हाफ इंच पे लेंगे और दूसरा फोल्ड भी हम हाफ इंच पे लेंगे। आप ज़्यादा या कम कर सकती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना फोल्ड करना चाहती हैं। और इसे यहाँ से इसी तरीके से हमें पूरे को फोल्ड करना है। पूरे बॉटम को हम ऐसे ही हल्के हाथ से फोल्ड करते जाएंगे। कपड़े को खींचना नहीं है, अगर खींचेंगे तो इसमें बलसा पड़ जाएगा। इसी तरीके से देखिए पूरे बॉटम को हमें फोल्ड कर लेना है और इसके बाद इसके ऊपर प्रेस हो जाएगी तो बिल्कुल ये फिट हो जाएगा। अब ये देखिए पूरा बनके कंप्लीट हो चुका है। इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है। ये किस तरीके से बनाया है ये हमने आपको बता दिया है। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।